जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ माह में सुनी जाने वाली 15वें दिन की कथा। ब्रह्मा गहरी नींद सो रहे थे। अंधकार में प्रलय तांडव हो रहा था। हयग्रीव नामक सोमकासुर समुद्र तल से ऊपर आया। फिर अचानक चमगादड़ की तरह ब्रह्मा के सत्य लोक में उड़कर चला गया। ब्रह्मा जब नींद के मारे पहले जब हाइयां ले रहे थे, तब उनको चारों मुखों से सफेद, लाल, पीले और नीले रंगों में चमकने वाले चार वेद बाहर निकले और नीचे गिर गए। हयग्रीव ने उन वेदों को उठा ले जाकर समुद्र के अंदर छिपा दिया। हयग्रीव देवताओं और विष्णु का भी जबरदस्त दुश्मन था। वेदों के बिना ब्रह्मा सृष्टि की रचना नहीं कर सकते थे। हर एक कल्प में विष्णु अच्छाई को बढ़ावा देकर उसका विकास करना चाहते थे। उनके इस संकल्प को बिगाड़ देना ही हयग्रीव का लक्ष्य था। प्रलयकालीन समुद्र पृथ्वी को डुबो रहा था। उस वक्त सत्यव्रत को उस गहरे अंधेरे में दूरी पर नक्षत्र की तरह टिमटिमाने वाली रोशनी में एक नाव दिखाई दी। वही सप्त ऋषियों की कांति से भरी नाव थी। सत्यव्रत ने औषधियों तथा बीजों को नाव के अंदर पहुंचा दिया और नारायण की स्तुति करते उसी नाव में यात्रा करने लगे। मत्स्य अवतार की नाक पर एक लंबा सिंह था। नक्षत्र की तरह चमकने वाले उस सिंह से लिपटकर एक महासर्प प्रलयकालीन आंधी को निगल रहा था। मत्स्य अवतार अपने पंखों से लहरों को रोकते, समुद्र को चीरते, नाव को सुरक्षित ले जा रहा था। ध्रुव नक्षत्र को मार्गदर्शक बनाकर वह नाव फूल की तरह तिरते आगे बढ़ रही थी। समुद्र के गर्भ में छिपाए गए वेदों का पहरा देते सोमकासुर समुद्र के भीतर टहल रहा था। चारों वेद चार शिशुओं के रूप में बदलकर किलकारियां कर रहे थे। मत्स्य अवतार वेदों की खोज करते हुए आगे चल पड़ा। मत्स्य अवतार को देखते ही सोमकासुर घबरा गया। फिर भी हिम्मत बटोर कर वह अपना कांटों वाला गदा हाथ में ले जूझ पड़ा। उस समय तक विष्णु का अवतार मत्स्य के रूप में कमर तक हो गया था। उसमें चारों हाथ निगल के आए। देखते देखते मत्स्य अवतार और सोमकासुर के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई। सोमकासुर समुद्र तल में पहुंचकर भागने लगा। इस पर विष्णु ने अपने चक्र से उसे टुकड़े टुकड़े कर दिए। विष्णु शिशुओं के रूप में स्थित वेदों को अपनी बगल में दबाकर पानी के ऊपर आ गए। वे चारों शिशु विष्णु के कंठहार में शोभा देने वाले श्री वत्स तथा कौस्तुम मणियों के साथ नन्हे हाथों से खेलते हुए किलकारियां मार रहे थे। चारों बच्चे सफेद, लाल, पीले व नीले रंग की कांतियों से चमक रहे थे। विष्णु के हाथों में शंख और चक्र शोभायमान थे। विष्णु ने मत्स्य अवतार को देख ऋषि और सत्यव्रत तन्मय हो हाथ उठाकर उनकी स्तुति करने लगे। प्रलय तांडव शांत हो गया था। जहां तहां भूमि दिखाई देने लगी थी। नाव भी अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ब्रह्मा के लिए दिन और रात का समय बराबर था। उनकी निद्रा का समय पूरा होने को था। आसमान में प्रकाश की किरणें फूट रही थी। नया कल्प शुरू हो रहा था। सरस्वती देवी पहले जाग उठी। उन्होंने अपनी बीड़ा पर भूपाल राग का आलाप किया। ब्रह्मा जाग उठे। उन्हें लगा कि उनके चारों सिरों में कोई अशांति फैली है। फिर परख कर देखा, वेद गायब थे। इसी चिंता में ब्रह्मा कुछ परेशान थे। तभी विष्णु ने मत्स्य अवतार में प्रत्यक्ष हो उनके हाथ में वेद सौंप दिए।
ब्रह्मा ने विष्णु के मत्स्या अवतार को जी भर कर देखा, तब अपने हाथ जोड़कर चारों मुखों से उनकी स्तुति की। हे नारायण, जो व्यक्ति आपके मत्स्या अवतार का ध्यान करता है उसकी सारी विपदाएं इस तरह हट जाएंगे, जैसे प्रलय के रूप में उपस्थित सारी विपदाएं दूर हो जाती हैं और उनका अज्ञान रूपी अंधकार हट जाता है। विष्णु के द्वारा मत्स्या अवतार लेने का कार्य सफल हो गया था, इसलिए वे अंतर ध्यान होकर अपने निवास बैंकुंठ में पहुँचे। ब्रह्मा ने वेद लेकर सृष्टि की रचना शुरू की। सत्यव्रत श्राद्ध देव वैवस्वत के नाम से मनु हुए। सप्तऋषि आसमान में अपने अपने स्थानों में पहुंचकर सप्तऋषि मंडल के रूप में प्रकाशित होते हुए ध्रुव की प्रदक्षिणा करते घूमने लगे। यों सूत महर्षि ने कहानी सुनाई। इस पर मुनियों ने पूछा, सूत महर्षि, हम लोग ध्रुव की कहानी सुनना चाहते हैं। सूत मुनियों ने सुनाने लगे, इस विशाल विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान ही ध्रुव मंडल है, वही विष्णु स्वरूप विष्णु के सिर का स्थान है। ऐसा ऊंचा स्थान पाने वाले ध्रुव उत्तानपाद नामक एक राजा के पुत्र थे। ध्रुव की माता सुनीति राजा उत्तानपाद की ज्येष्ठ पत्नी थी। सुरुचि छोटी रानी थी। राजा सुरुचि को ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी जांग पर बिठाकर प्यार जता रहे थे, तभी वहां पर ध्रुव आ पहुंचा। उसके मन में भी अपने पिता की जांग पर बैठने की इच्छा थी। वह बड़ी लालसा से अपने पिता की आंखों में देखता रहा। उस वक्त सुरुचि वहीं पर थी। राजा सुरुचि से डरकर ध्रुव को देखकर भी अनदेखा सा कर गए। ध्रुव ने सोचा था कि उसके पिता उसको भी अपने छोटे भाई के जैसे अपनी जांग पर बिठाएंगे, पर ऐसा न होते देख उसे रोना आया। उसके गालों पर आंसू की मोती जैसे चमक उठे। ध्रुव की हालत देख सुरुचि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे बदकिस्मत के बच्चे, चाहे तुम जिंदगी भर तपस्या क्यों न करो, मेरे पुत्र के समान तुम्हें अपने पिता की जांग पर बैठने का भाग्य प्राप्त न होगा। मेरे पेट में पैदा होगे तभी तुम्हें यह सौभाग्य प्राप्त होगा। हाँ, तुम तो जब देखो नारायण का संकीर्तन किया करते हो, अब तपस्या करके उसी नारायण से पूछ कर देखो, कहीं वे तुमको ऐसा सौभाग्य प्रदान कर सकते हैं या नहीं। यो सुनुति ने ध्रुव का मजाक उड़ाया। बालक ध्रुव का मन कचोट उठा, उसका दुख उमड़ पड़ा, उसका क्रोध खौल उठा, उसके मन में सुरुचि की हत्या करने की इच्छा जागी। लेकिन दूसरे ही क्षण उसे सुरुचि एक उत्तम उपदेशिका सी लगी, मानो उसे यह सलाह देती हो, बेटा नारायण पर विश्वास करो, तपस्या करो। तब ध्रुव को लगा कि उत्तम कुमार ऐसे महान उपदेश पाने का सौभाग्य न रखने वाला एक अभागा है। राजा उत्तानपाद उसे अंधेर रूपी जाल में फंसाकर छटपटाने वाले हिरण जैसे लगे। इसके बाद ध्रुव ने सुरुचि को इस प्रकार प्रणाम किया, जैसे गुरु का उपदेश पाने के बाद शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, तब वहां से चल पड़ा। ध्रुव के इस व्यवहार पर चकित हो सुरुचि अपने मन में सोचने लगी, लड़का तो भला मालूम पड़ता है, गालियां देने के बाद भी प्रणाम करके चला गया, प्रणाम न करे तो करेगा ही क्या, मेरे सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है या उसकी माँ हिम्मत कर सकती है।